नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, साइज के हिसाब से इसे हमने कट कर लिया है, तल और कपड़े दोनों पर। लंबाई अपने हिसाब से ही रखनी है, जितना लंबा ब्लाउज बनाना है। तो इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच ली है, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, शोल्डर 6 इंच लिया है, गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, आर्म होल भी 6 इंच लिया है, शोल्डर आर्म होल सेम ही लिया है, गले की गहराई 11 इंच ले लेंगे, अब देखिए इस तरह से गले का शेप देना है। मटके गले का ये डिजाइन है, तो मटके गले का शेप दे देंगे पहले। तो इस तरह देखिए गले का शेप दे दिया है। अब डिजाइन के लिए इस तरह से कट कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। अब देखिए बुकरम के ऊपर इसे रख के कट कर लेना है। कपड़े पर रख के कट करेंगे। अब कपड़े और अस्तर पर सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े की सीधी वाली साइड में अस्तर को रखते हुए सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर किनारे से एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है उसे कट करके पहले बराबर कर लेंगे। अब देखिए गले को इस तरह कपड़े पर रखते हुए हमने सिलाई लगा दी है, या तो आप प्रेस करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सिलाई लगा दी है देखिए अंदर वाली साइड से। अब इसे कट करेंगे।
तो इस तरह इसे कट कर लिया है। अब देखिए गला पहले तैयार कर लेंगे, तो गले पर अच्छे से मिलाते हुए इसको रखेंगे और एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाने के बाद कट लगा देने हैं पूरे गले पर। अब इसको देखिए अंदर की तरफ इस तरह पलटना है और अच्छे से बनाकर एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। अब देखिए जो ये वाली डिजाइन कट की है इसको तैयार करना है। तो देखिए हमने ये वाला बुकरम वही लिया है जो गले का कट निकला है, उसी पर ये आ जाएगा। अब इसको रख कर इस पर निकालना है बुकरम के ऊपर। तो देखिए गले वाली साइड से सेम ही लेना है और बाहर वाली साइड से आधा इंच बढ़ा लेंगे। इस वाली साइड से बराबर ही कट करेंगे और बाहर वाली साइड से देखिए आधा इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि उस सिलाई में जाएगा तो उतना ही बढ़ाना है। तो देखिए इस पर रख के निशान बना दिया है, अब कट कर लेना है इसको। तो इस तरह देखिए कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह कपड़ा लेंगे, लंबाई चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, जितना गले लंबाई इसकी लगभग 8 इंच या 9 इंच ले लेनी है चौड़ाई, और लंबाई 10 इंच ले लेनी है। और इस तरह से आधा आधा इंच की दूरी पर देखिए इस तरह से एक एक सिलाई डालना है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना है ताकि सिलाई समझ में आए, बस उतना ही पकड़ना है। और आधा आधा इंच की दूरी लेते हुए बराबर से ये सीधी सिलाई पहले डाल देंगे पूरे कपड़े पर। तो देखिए हमने सीधी वाली सिलाई डाल दी है। अब इस साइड से यहाँ से लेंगे और तिरछी सिलाइयाँ इस तरह डालेंगे और दूरी बराबर ही लेनी है, आधा आधा इंच की दूरी। जितनी उस साइड से सिलाई डालते समय ली है उतनी इस साइड से भी सिलाई डालते समय लेनी है, आधा आधा इंच की दूरी लेते हुए ये वाली सिलाई सीधी सिलाई पूरे पर डालनी है। तो देखिए हमने पूरे डिजाइन को पूरा कर लिया है। इस तरह से पूरी डिजाइन पहले बनानी है। अब देखिए अस्तर का कपड़ा लेंगे और अस्तर के कपड़े के ऊपर इसको निकाल लेना है यहाँ पर इस तरह से, बराबर से इसे कट कर लेंगे। अब इस वाले कपड़े पर भी अस्तर लगा लेना है, यहाँ पर 2 अस्तर लगेंगे, चाहे उसी साइज का नाप के कट कर लें या तो फिर इस वाले कपड़े पर लगा लें। तो अंदर वाली साइड से इस तरह से अस्तर इस कपड़े पर लगा देंगे। कपड़ा पतला है अस्तर वाला है तो अस्तर लगाना है, अगर मोटा कपड़ा है तो अस्तर नहीं लगाना है। तो हमने देखिए इस वाले कपड़े पर भी अस्तर लगा दिया है। अब इस तरह से रखना है, रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। अंदर वाली उस वाली सीधी वाली साइड से रखेंगे, पहले अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर ये बुकरम पर जो डिजाइन कट की है उसको रखना है बराबर से रखते हुए। अब सिलाई लगानी है तो यहाँ पर एक पिन लगा देंगे ताकि इधर उधर ना हो। अब देखिए इस तरह कट कर देंगे। कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगा देना है, गले वाली साइड में पूरे पर कट लगाना है। अब इस तरह इसको पलटना है।
पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगानी है। अब इसको गले पर सेट करना है। अब देखिए बराबर से मिला लेंगे पहले इसको, ताकि गला हमारा बिल्कुल बराबर से बने। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाता है तो फिर अच्छे से नहीं बैठेगा, तो पहले इस तरह बराबर से मिलाना है। फिर इस तरह बराबर से मिलाने के बाद देखिए एक एक निशान वहीं पर बना देंगे, तो सिलाई लगाते समय समझ में आएगा कि यहाँ से इसको सिलाई यहाँ पर लगानी है। उसके बाद एक साइड से इस तरह सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये वाली डिज़ाइन हमने गले पर लगा दी है। अब देखिए इस तरह लेना है, सीधा कपड़ा लेना है, और देखिए ये वाली डिज़ाइन पूरे गले पर होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने कपड़े की जो चौड़ाई है 2.5 इंच ली है, और लंबाई ज़्यादा रखनी है। पूरे गले पर ये पहले फ्रिल बनानी है, तो उस हिसाब से लंबाई रख लेनी है। तो आप या तो आप चाहें तो पहले फ्रिल बनाकर गले पर सेट कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट गले पर ही से बना सकते हैं। तो देखिए आधा आधा इंच की दूरी पर आधा आधा इंच का चुन्नट देना है, और एक बराबर से देना है, और पूरे गले पर इसी तरह से इसे बना लेना है। अब अगर थोड़ा भी जहाँ पर कपड़ा या थोड़ा धागा बाहर आ रहा है उसे कट कर देना है, गले वाली साइड में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने ली है औरेबी पट्टी। तो औरेबी पट्टी यानी कि औरेबी कपड़े से जो पट्टी बनाते हैं, जैसे पाइपिंग के लिए जो कपड़ा कट करते हैं, उस तरह से कपड़े पर इस पट्टी को बनाना है, और ज़्यादा चौड़ी नहीं लेना है। यहाँ पर सिलाई ढकने के लिए पट्टी लगाएंगे। तो देखिए पट्टी पर अंदर वाली साइड से हमने सिर्फ सिलाई लगाई है, बाहर वाली साइड से सिलाई नहीं लगाना है। बाहर वाली साइड से लेस लगाएंगे, तो लेस थोड़ा सा लेस यहाँ पर हम पतला ही रखेंगे, या तो आप बिल्कुल पतला लेस ले सकते हैं। हमारा लेस थोड़ा सा देखिए चौड़ा आ रहा है, हमें बिल्कुल पतला रखना है। तो पट्टी के अंदर रखते हुए इस डिज़ाइन में लेस पतला ही अच्छा लगेगा, बहुत पतला, इतना पतला लेस आता भी नहीं है, ज़्यादा पतला हो जाता है। बिल्कुल पाइपिंग के साइज का बाहर करना है। तो हम लेस को अंदर की तरफ देखिए पट्टी के रखते हुए इस तरह लगा देंगे, तो ये अच्छे से पतला लेस आ जाएगा। तो इस तरह देखिए हमने लेस को लगा दिया है। अब देखिए इस डिज़ाइन को पहले तैयार करना है। तो अब देखिए जो फ्रिल जो बनाई है उसी को फ्रिल को उठाना है, और चुन्नट को उसी उठाएंगे, और उसको इस तरफ अपनी तरफ मोड़ना है, और उसके ऊपर एक मोती लगानी है। तो सिलाई भी साथ में लग जाएगी और मोती भी। पूरी डिजाइन इसी तरह से बनाना है। तो देखिए हमने ये वाली पूरी डिजाइन बना ली है। अब इन डिजाइनों पर मोतियाँ एक लगानी है, सभी कंधे में जो ये बने हैं उसमें एक एक मोती लगा लेनी है सभी पर। और मोती हमने देखिए इसी साइज के लिए है, जो बाहर वाली गले के बाहर वाली जो डिजाइन बनाई है वही मोती इस वाली डिजाइन में भी भरना है। या तो आप चाहें तो जैसे जो कलर है बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर में हमारी पिंक कलर है, तो पिंक कलर की भी इसमें मोती लगा सकते हैं। तो हमने देखिए गोल्डन ही ले ली है, गोल्डन मोती पर भी अच्छा लगेगा, पूरे पर गोल्डन मोती लगा देंगे। तो देखिए हमने मोतियाँ लगा दी हैं। अब देखिए बॉर्डर वाले कपड़े से हमें बटन बनानी है। तो बटन बनाने के लिए हमने ली है छोटी सी बटन, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। और बटन को कपड़े के अंदर भरकर धागे से अच्छे से बटन को बांध लेना है। फिर धागे को लास्ट में कई बार धागे को घुमाना है, फिर लास्ट में पक्का करने के बाद इस तरह से कपड़े को कट कर देना है। ज़्यादा कपड़े को कट करना है,
तो इस तरह बटन बन के आ जाएगी। दो बटन देखिए हमें यहाँ पर लेनी है, एक बटन इस तरह से, फिर इसे इस तरह से लगाना है। तो अच्छे से यहाँ पर बटन को लगा देंगे। दूसरी बटन इसके नीचे इस तरह से लगानी है। तो दोनों बटन को हम अच्छे से लगा दिया है देखिए। अब लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो डिजाइन हमारा अब बनके तैयार है। लास्ट में इसका प्लेट बना देना है और बाद में हम गले पर डोरी भी लगा देंगे। तो देखिए इस गले पर डोरी लगाना ही होगा, तो बाद में डोरी भी लगा देंगे। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।